हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एचटी डेली ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज कॉइनों का की ओर। हम लोग छुट्टी, गर्मी छुट्टी के बाद है ना, हम लोग का प्रीसा और प्रतीक्षा बहुत घूमने के लिए जिद्दी कर रही थी, उसके साथ उसके मम्मी भी। तो हम लोग सब लोग मिल के आए हैं कॉइनों का पार्क के अंदर। तो प्रीसा और प्रतीक्षा घूमने के लिए चली गई, तब तक हम लोग है ना साइड में आके बैठ के देखने लगे। तब तक हम लोग को प्रीसा मिली और प्रीसा बोलने लगी कि हमें भी घूमना है इधर उधर। तो उनको घुमाने के लिए मैं लेके आया कॉइनों का की रिजॉर्ट की ओर। और रिजॉर्ट देखिए काफ़ी सुंदर है। सामने ये फ़ोटो खींच रही मेरी बहन है दोनों, और इधर भी ये भी मेरी बहन है, और सामने प्रीसा है देखिए दौड़ रही है, और ये है मेरी वाइफ। सामने देखिए गाइस, यही है पूरा मैदान। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे घूमने के लिए, हरियाली बहुत है। और ये देखिए ये स्टेज, कुछ प्रोग्राम वगैरह होने से यहीं पे प्रोग्राम मनाया जाता है। और सामने से आप रूम भी ले सकते हैं, रूम में रह के भी आप देख सकते हैं। सामने रूम में कोई हुए है शायद, उसके लिए गाड़ी भी रखी हुई है वहाँ पर। और ये जगह है ना, आपको आने के लिए तेजपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पे है। पहले तो ये 30 से भी ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि अभी नई जो रास्ता बन गई है उस वजह से काफ़ी नज़दीक पड़ता है तेजपुर से। और गाइस एक बात बता दूँ, यहाँ आने से आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं आने वाला है, क्योंकि रेस्टोरेंट खाने के लिए दो दो रेस्टोरेंट है, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट एक नॉर्थ रेस्टोरेंट। दोनों आपको खाना फूड यहाँ पर मिल जाएगा, चाइनीज़ भी और नॉर्थ भी। बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। और यहाँ पे जो सामान मिलता है ना पूरा ऑर्गेनिक होता है, इनका खुद का खेती से ही सारा सामान है ना ये लोग बनाते हैं, ये अलग खरीदते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग है ना नमक के अलावा कुछ खरीदते ही नहीं है, क्योंकि इनका फार्म हाउस में इतना सारा सामान है आप देख के चौंक जाओगे। और यही है गाइस वो पार्क छोटे बच्चों के लिए। ये है ना रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट के अंदर एक रिजॉर्ट भी है, एक फार्म हाउस कह सकते हैं इसको। फार्म हाउस का अंदर ही रिजॉर्ट भी है और पार्क भी है। और ये पार्क में आने के लिए छोटे बच्चों के लिए है ना 10 रुपये आपको टिकट देना पड़ेगा, उसका बाद अंदर आ सकते हैं। बच्चे कितने खुश हैं। और इस जगह ये हाल ही में बनी है ना, सबको पता नहीं है, लेकिन यहाँ का आमने सामने जितने लोग हो उनको तो पता है, लेकिन थोड़ा दूर में जो रहते हैं तो इनको इतना पता नहीं है कॉइनों का के बारे में। कॉइनों का में घूमने के लिए है ना बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के लिए सबसे अच्छी जगह है। और जो कृषि भाई बंधु लोग हैं ना, तो वो लोग के लिए तो कॉइनों का आना ही आना है। सच बता रहा हूँ, यहाँ पे खेती से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा, खेती के बारे में कैसा करना है क्या सब कुछ। और ये देखिए हमारा प्रीसा और प्रतीक्षा काफ़ी खुश लग रही है दोनों। और छुट्टी के बाद है ना ये पहली बार घूमने आई है, उससे पहले इनको लाया नहीं था मैंने। तो छुट्टी के बाद है ना उनका सब गर्मी छुट्टी दे दिया है, तो उसके बाद ही आज घुमाने के लिए लेके आए, तो काफ़ी खुश है। और कॉइनों का में जितना भी छोटी छोटी पार्क बनी है ना, ये सब ये पार्क हाल ही में बनी है, सब कुछ नया लगाया है, लेकिन आधा से आधा सामान है ना अभी यहाँ बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। नतीजा मैं आपको बता दूँ क्यों इतना जल्दी ख़राब हुआ है। ये बच्चे ने तो ख़राब नहीं कर सकता, सारे लोहे का सामान ही है, लेकिन एक बात बता दूँ, ये बच्चे भी झूल रहा है। सामने देखिए बच्चों का झूला में और छोटे बच्चे झूल रहा है। आंटी सैल्यूट है आप सबको, ये बच्चों के लिए है, थोड़ा तो देखो ऐसा करते ही सारा सामान टूटा दिया। आपका बच्चा अगर खेल रहा है कूद रहा है यहाँ पे, खुशी मनाना चाहिए, ना कि इसको तोड़ दे। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे जितना भी झूला है ना वहाँ पे कोई बोलते नहीं, सिक्योरिटी वगैरह है नहीं, उस वजह से है ना बड़े छोटे सब लोग झूलते हैं और ख़राब कर देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में बनी है, सारे बच्चों का खिलौना है ना पूरा टूटा बिखड़ा पड़ा है वहाँ पे, लेकिन वो सब भी रिपेयरिंग करना ज़रूरी है। और रिपेयरिंग करेंगे तो करेंगे कितना, जो इतने बड़े बड़े लोग झूल रहे हैं वो कितना दिन ही टिकेगा ये सब, क्योंकि ये बच्चे का पार्क है, क्योंकि 10 रुपये में बच्चों के लिए ही मिलता है। और सामने देखिए गाइस, ये है ना नज़ारा बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छा कराए रहने के लिए। और शाम को यहाँ पे जब सनसेट होता है ना, उससे पहले सच में बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि खाली मैदान, यहाँ पे पेड़ वगैरह भी बहुत ही कम है, छोटी छोटी पेड़ है। हाल ही में ये पार्क है ना बनी है, उस वजह से पेड़ वगैरह बहुत ही कम है। और ये देखिए गाइस, ये हम लोग का प्रीसा लोग पूरा खेल के मस्ती कर रहे हैं, ये लोग काफ़ी खुश है। गर्मी छुट्टी के बाद पहली बार इतना खुशी मना रहा है शायद, नहीं तो घर में पढ़ाई ट्यूशन स्कूल ये लोग परेशान हो जाता है कभी कभी। तो बच्चे को ऐसे घुमाने के लिए लेके आने से ना उनका माइंड बहुत ही फ्रेश होता है, हमेशा नहीं कभी कभी लाना जरूरी भी है। और इनका खुशी देख के हमें तो बहुत ही खुशी मिलती है सच बताऊं। और ये जमीन है ना
3000 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन में ये सब चीज़ें बनी हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, फार्म है और बहुत सारा खेती भी है। 700 बीघा में, 750 बीघा में तो इन्होंने राइस का खेती किया है और 400 बीघा में इन्हें मक्के का खेती किया है, 400 बीघा में ये लोग है ना केला का खेती किया है। बहुत सारा खेती है यहाँ पे, उससे लेकर बॉयलर फार्म है, पीक फार्म है, उसके बाद दूध यहीं से निकलता है, सरसों सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इनका बहुत बड़ा बड़ा स्टोर भी है। थोड़ा बहुत कैनका का बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश किया। और हम लोग है ना गर्मी छुट्टी के बाद बच्चों को घुमाने के लिए नहीं लेके आया था, उस वजह से हम लोग खुद भी घूमने के लिए आए थे, तो थोड़ा बहुत वीडियो यहाँ बनाने के लिए कोशिश किया। आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आप लोग भी गर्मी छुट्टी का टाइम में यहाँ आके थोड़ा टाइम बिता सकते हैं और बच्चों को लाने से है ना काफ़ी खुश होंगे इस जगह पे, क्योंकि नई जगह, हरियाली, बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे आने के लिए आपको पैसा नहीं देना है, बच्चों का पार्क में जाना है तो 10 रुपया टिकट कराना होगा बस। तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।